लगा हुआ है, जैसा कि जनरल साइंस के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह, और इसके बाद यूपीएससी, और इसके बाद यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, दक्षिण भारत वगैरह को सबको लेके चला जा रहा है। तो यहाँ पे बने रही है, रही बात तो यहाँ पे जनरल साइंस है। जनरल साइंस में कंप्यूटर महाशय के द्वारा जो भी क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए जाएंगे उसी को हम आपके साथ गर्मा गर्म परोसेंगे। बस आप बने रहिए, रही बात तो पूरी श्रृंखला खत्म होगी, बस आप बने रही है। तो यहाँ पे एपी कल्चर किससे, एपी कल्चर किसे कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन एपी कल्चर से संबंधित होता है जैसा कि, तो इसीलिए एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। इसके बाद सब्जियों तथा पुष्पों के पराकर को किस कीट का योगदान सर्वाधिक होता है, तो मधुमक्खी का योगदान होता है। तो मतलब इसके बाद कूटे कूट भी करके भी जो यूपीपीसीएस में देखते होंगे या एमपीपीसीएस, इसके बाद और सारे यूपीएससी में जो क्वेश्चन देते हैं, तो मतलब कूट बना के जो है तो उसको हम जानेंगे, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कथन ने अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता, उसके बाद कारण कथन ये है, उसके बाद सभी एक कोशिकीय जीव लैंगिक विधियों के जनन है। तो मतलब ये जो कि आप इसमें ए और दो भी दोनों है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो मतलब ए भी दोनों सही है। रही बात तो जैसे अमीबा विभाजन द्वारा जनन अंग होता है, तो जो कि ए और रही बात आर ए इसका स्पष्ट करता है, तो ओवरऑल श्रृंखला ये दिया है। रही बात तो बस आप बने रहिए, ओवरऑल सारी क्वेश्चन प्रॉब्लम सब सॉल्व होंगे, बस आप एकदम माई इंडिया के साथ जुड़ जाइए। अब तक घंटी को ना घनघनाए तो घनघना दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर महाशय थोड़ी सी हमारे साथ डिस्टर्बिंग करते हैं, क्योंकि यही कभी कभार हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूरी श्रृंखला को लेके चला जाएगा, तो बने रहिए। रही बात तो पूरी श्रृंखला यहाँ पे जारी रहेगी, रही बात तो थोड़ा सा टाइम वगैरह लग सकता है क्योंकि कंप्यूटर का प्रॉब्लम है। तो कंप्यूटर के प्रॉब्लम में जैसा कि कूट ए कूट बी को हमने डिस्कस किया, तो कूट ए और कूट बी में यहाँ पे दिया गया है कि एपिकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित सब्जियों तथा पुष्पों के पराकरण किस कीट का योगदान, तो मधुमक्खी तो अमीबा विभाजन द्वारा जनन है। उसके बाद यहाँ पे कूटे कूट भी, उसके बाद पोरो पोरी फेरा है, उसके बाद ये सब सब डिस्कस किया है। तो पोरी फेरा सीलेंट्रोट्रेटा एनाकोंडामेंटा तथा मलस्का में से किस जंतु का संघ सब सदस्य समुद्री होते, तो एकाइनोडेमेटा का। उसके बाद फाइकोलॉजी रोग का जनक होता है, तो फाइकोलॉजी हेलमिंथ का होता है, कि ईट वर्ग को जंतु का एक विशिष्ट लक्षण, तीन जोड़ी पाद का एक ये लक्षण है, तो कीट वर्ग के जंतु का एक विशिष्ट लक्षण, तो तीन जोड़ी पाद का एक लक्षण। उसके बाद और आगे आएंगे तो सीलेंट्रेटा पोरोफेरा, उसके बाद मोलस्का एवं एनिलेडा में किससे में से शरीर खंडन युक्त होता है, तो एनिलेडा में। उसके बाद दुई नाम पद्धति एवं आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के प्रेषण या वर्गीकरण का महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक के सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसको हम जाने जो कि कैरोलस लीनियस साहब। जूलॉजी के क्वेश्चन को लेकर चला जाए, तो जूलॉजी की श्रृंखला अभी तक जारी रहेगी, रही बात जब तक ये श्रृंखला खत्म हो जाए तब तक माई इंडिया चैनल आपके साथ बना रहेगा। रही बात तो पूरी श्रृंखला खत्म हो जाएगी, उसके बाद अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव में मकड़ियाँ जाल बनाती है, तो उधर के भाग से, तो उधर के भाग से जो उनसे स्रावित होता है जो पदार्थ, उसके बाद तो उसी से ये उधर के पश्चिम भाग से ये जाल बनाती है। इसके बाद जीवों के परस्पर एक दूसरे के पर निर्भर होते, तो जीव में परस्पर एक दूसरे पर निर्भर, तो जैविक विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का रोक्त विकास हुआ। उसके बाद कौन सा से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं, तो बिच्छू का
काकरोच, इसके बाद झींगा, उसके बाद सर्पों की इस ग्रंथियां किसकी समांगत, रे मछलियों के दंश की, उसके बाद आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो, तो आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है तो खुले तंत्र में बहाव है, तो आर्थ्रोपोडा से संबंधित खुले तंत्र में बहाव है। उसके बाद इनमें से कौन सा जंतु सीलेंट टैटा है, तो जो कि ये सब अभी रही बात तो डिस्कस किया जाएगा, रही बात तो ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कंप्यूटर महाशय जो देंगे वही डिस्कस, तो जनन करते हैं तो ए आर दोनों से आर ए, तो यहाँ पे पूरी क्वेश्चन नहीं है तो उसको हम छोड़ेंगे। इसके बाद पोरी फेरा सी लेंट्रोटा ए नाकोंडा तथा मोलस्का में किस जंतु या संघ का सदस्य समुद्री होता, तो एनो को ए नाई एकाइनोडेमेंटा का, उसके अंदर फाइलेरिया रोग का जनक होता है तो यहाँ पे हेलमिंथ होता है। इसके बाद कीट वर्ग के जंतु एक विशिष्ट लक्षण तो तीन जोड़ी पाद का, उसके बाद रही बात तो पूरी श्रृंखला जारी रहेगा, कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर महाशय का ये काम है, तो कंप्यूटर महाशय जो करते हैं वही हम करते हैं। तो यहाँ पे सीलेंट्रेटा पोरीफेरा उसके बाद मोलस्का एवं एनिलिडा में किसमें से शरीर खंड युक्त होता है, तो एनिलिडा जो यहाँ पे दिया। उसके बाद द्विनाम पद्धति एवं आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के प्रेषक या वर्गीकरण का महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक, तो यहाँ पे जो कि दिया गया है तो वैज्ञानिक या सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक, तो कैरोलस लिनियस जी हैं जो कि यहाँ पे दिया गया। उसके बाद शरीर अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव के मकड़ी जाल बनती, तो उदर के पश्च भाग से, तो ये सब हमने जैसा डिस्कस किया है, तो रही बात तो ये दोबारा रिपीट होता है, तो बार बार रिपीट करने से एक फायदा होगा, तो जीवों के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं क्योंकि जैव विकास के लंबे इतिहास एवं सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोक्त विकास हुआ। उसके बाद कौन से सेट के जंतु एक ही जंतु सब एक ही संघ के हैं, तो बिच्छू काकरोच झींगा, उसके बाद सर्पों की विष ग्रंथियां किससे समा अंग होती है, तो रे मछलियों के दंश से, उसके बाद आर्थ्रोपोडा के शरीर के रुधिर हो सकते हैं तो जो खुले तंत्र के बहाव से, उसके बाद इनमें से कौन सा जंतु सीलेंट्रेटा है तो समुद्री एनी मान, उसके बाद की जंतु किस लक्षण के पादप से मिलते हैं, तो ये दिन रात श्वसन करते हैं। उसके बाद पल ईस्टर्स में मोती कहाँ और किससे बनता है, तो त्वचा जो कि यहाँ पे त्वचा में धसे किसी वायकड़ के चादर के चारों ओर कह सकते हैं। उसके बाद ऑक्टोपस क्या है, तो ऑक्टोपस एक गोला उसका है। उसके बाद रेशम उद्योग को कहते हैं तो सेरिकल्चर जो कि रेशम उद्योग से संबंधित है। उसके बाद रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे तो विलियम हार्वे थे, तो जो कि यहाँ पे दिया गया, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाले प्रथम वैज्ञानिक तो विलियम हार्वे जी थे। तो रही बात तो ऑनलाइनर क्वेश्चन वगैरह है, तो ऑनलाइनर क्वेश्चन हमेशा ऑनलाइनर की तरह रहेंगे। रही बात कंप्यूटर महाशय के द्वारा जो दिया गया, तो क्या आप जानते हैं, तो कंप्यूटर महाशय हमारे साथ क्या जानते हैं, विषय में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ, तो रेशम का प्रचलन इसमें सर्वप्रथम चीन से हुआ। उसके बाद चीनी प्राकृतिक रेशा उत्पादन में विश्व के प्रथम स्थान रखने वाला इन क्षेत्र का दूसरा स्थान जो कि लोअर 98 वगैरह से है, तो ये सब धीरे धीरे क्या आप जानते हैं मतलब, तो ये उसको हम यहाँ पर कंप्यूटर महाशय द्वारा, तो भारत में रेशम ये कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे भारत में रेशम के सभी पांच वाणिज्य किस्मों जैसे मलबरी, ट्राइपिकल, टक, ओक, टर, इसी और मूंगा तथा उत्पादन वाला एकमात्र देश है। भारत विश्व में कुल रेशम उत्पादन 18% का योगदान करता है। भारत में कच्चे रेशम विश्व में दूसरा सर्वोच्च सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद देश में कुल रेशम उत्पादक से मलबरी किस्म के रेशम का उत्पादन 89.0 है। उसके बाद इसी रेशम का 88.6 टन रेशा
2.0% तथा मूंगा किस्म के रेशम का योगदान 0.4% है। इसके बाद देश के 50% से अधिक रेशम उत्पादन कर कर्नाटक प्रथम स्थान पे है, जो कि लोअर सबॉर्डिनेट पेपर में ये पूछा हुआ 2005 में पूछा हुआ, तो वो सब हम भी डिस्कस कर। इसके बाद नए किस्म के रेशम एवं मूंगा सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर तथा जम्मू कश्मीर में होता है। उसके बाद प्रकृति रेशम उत्पादन शीर्ष 4 राज्य, तो प्रथम कर्नाटक, द्वितीय आंध्र प्रदेश, तृतीय तमिलनाडु, चतुर्थ पश्चिम बंगाल। उसके बाद स्रोत, उसके बाद यहाँ पे स्रोत कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार। उसके बाद भारत में ये कुल कपड़ा निर्यात में रेशम वस्त्रों का हिस्सा लगभग 3.0%। इसके बाद रेशम उद्योग में प्रोत्साहन देने के लिए 1949 में केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की। उसके बाद 1900 केंद्रीय रेशम अनुसंधान परिषद बहरामपुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। उसके बाद केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान मेदीपात, एक केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची जो कि झारखंड में है। उसके बाद रेशम कीट की गई जाती है। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट पालन किया जाता है, जो कि RAS 2001 में पूछा हुआ। उसके बाद रेशम का धागा प्रोटीन है, जबकि कपास के एवं जूट का सूत से ल्यूलोज होता है। उसके बाद जो कि RAS 2001 में पूछा। उसके बाद रेशम के धागे कीट के कोया से प्राप्त होते हैं, यह कीट के प्यूपा अवस्था में बनता है, जो कि UPPCS 1998 ये पूछा हुआ है। तो ये सब जो पूछा हुआ तो वो सब उसी वे में हम आपको साथ दे रहे हैं। रही बात तो ऑनलाइनर है, ऑनलाइन क्वेश्चन हमेशा ऑनलाइनर की तरह। तो उसके बाद और आगे आने पर तो देश में कुल रेशम उत्पादन मलबरी किस्म के रेशम का उत्पादन 89%, ये सब हमने डिस्कस किया, जो कि यहाँ तक हमने डिस्कस करते हुए ये सब पूरी श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक खत्म कर दिया था। तो ये सब जो कि UPPCS में जो कि क्वेश्चन पूछे तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद और आगे बने रहेंगे। तो यहाँ पे रेशम धागा कोया से प्राप्त होता है या कीट पीपा अवस्था में बनता है। इसके बाद रेशम में के का अपने पीपा अवस्था में शरीर के चारों ओर रेशमी धागा बनाकर अपने को धागे के बीच बंद कर ले, जिसे कोया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैलियोटालाजी के अंतर्गत अध्ययन तो जीवाश्मों का होता है। उसके समुद्री तल पर रहने वाला जंतु कहलाता है, तो नीतलस्त वे एन ठीक। उसके बाद और आगे तो जंतु जिसमें परस्पर जनन होता है सब सदस्य होता है एक ही जाति के। उसके बाद और आगे तो बिच्छू तलया मधुमक्खी सेंटीपीड तथा गीला मोंटस होते हैं, तो विषैले होते हैं, जो कि ओवरऑल डिस्कस किया। इसके बाद कि जंतु का आहार नाल नहीं होता था, टार्निया एवं अन्य सिस्ट्रोडा का। तो रही बात तो ऑनलाइनर क्वेश्चन है, ऑनलाइनर क्वेश्चन ऑनलाइनर की तरह रहेंगे। रही बात तो आप बस बने रहिए, माई इंडिया चैनल एकदम लगा हुआ है। तो इसके बाद और आगे डिस्कशन करेंगे तो कैट फिश के क्रे फिश रजत फिश एवं जेली फिश में कौन सा एक वास्तविक एक मीन मछली है, तो कैट फिश है। इसके बाद नीरिस, इसके बाद ऑक्सोटोपस, उसके बाद केकड़ा तथा चींटी में से कौन सा जंतु संघ एनिलिडा का सदस्य नीरिस। उसके बाद कटल फिस किस संघ का सदस्य है, तो मोलस्का का। इसके बाद किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु, तो जोक हाइड्रा फीटा क्रीमी में सब द्विलिंगी। इसके बाद किस जंतु में काइटिन युक्त वाय कंकाल होता है, कीटों में काइटिन युक्त वाय कंकाल होता है। उसके बाद जो कि यहाँ पे थोड़ी सी हैंगिंग की प्रॉब्लम शुरू होगी, रही बात तो पूरी श्रृंखला भी खत्म होगी, थोड़ा सा ये कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, तो कंप्यूटर के प्रॉब्लम में हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात तो पूरी ये श्रृंखला खत्म हो गई, तो थैंक फॉर वॉचिंग।